नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के आज के एपिसोड में काफी चर्चा हुई है, कमेंट सेक्शन में भी, मेरे वीडियोस में भी, और बहुत सारी बातें हमने लाइव वीडियो में भी की हैं। मगर अभी बाकी है आपकी बारी, जो वॉइस मैसेजेस भेजते हैं उनके रिव्यूज बाकी हैं, जो इसी पब्लिक वॉइस में हम अटेंड करते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपकी इसी रिव्यूज की जो ऑडियोज हैं वो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, अनुपमा परेशान है अपने यादों में, कहती है कि सब कुछ जैसे वो कल का ही क्लियर आज वो आगे दिखाया। वो जो फोटो क्लिक करती बच्चों की वहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो उसके आगे की कहती है कि सब कुछ छोड़ के आई, बहुत दूर चली गई, कितने भी दूर गई पर यादव पीछे नहीं छोड़ते। विक्रम सर की बात शेयर करती, वो भी अरे फिर भी कहती, जैसा वो कहता भी है कि जो है सो है, अब जो है वो यादें पीछा नहीं छोड़ती पर अब जो है सो है, तो कहती हाँ जो है सो है, और सबके लिए दुआ मांगती सबके लिए। उसकी दुआ में आज भी हमने देखा बाप, बापू जी, किंजल, परी, तोशु, डिम्पल, पाखी, छोटी और अनुज का भी नाम लिया। अनुज भी आज उसकी दुआओं में शामिल है, पर उसके लिए किसी के मन में कुछ भी नहीं है, है तो नफरत है, कहीं नफरत है, कहीं गुस्सा है, कहीं और उसकी तरक्की से जलन है। आज वंदा शाह का इधर दिखाया हमने देखा कि वो पाखी के खिला पाखी जैसे डिम्पल से नौकरानी जैसे काम करवा रही उसके फ्रेंड के सामने, तो आज वो स्टैंड ले रहा है इसके लिए, डिम्पल के लिए स्टैंड ले रहा है कि वो तुम्हारी भाभी है और तुम्हारी अपने खुद काम करो जो भी वो कहता है। तो वो डर रहा है इसलिए कि उसके कहीं पोता ना खो जाए। आज उसका डर देखा हमने कि वो इसलिए वो ये चाहता है कि उसको लगता है कहीं ले ना जाए, पर ये डिम्पल ही बेवकूफ लड़की है, इसके लिए तरस नहीं है, गुस्सा आता है, इस पर कुछ भी बोलने का मन भी नहीं करता मेरा, क्योंकि ये लड़की को अपना समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये यहाँ पे रह रही, जब उसकी बेटी सर चढ़ के बात कर रही है, बकवास बातें कर रही है, तो इसमें क्या नहीं है, सब कुछ कर सकती है फिर भी नहीं कह रही। आज वो डर रहा है, क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों इतने दिन से वो खुद उसको इतना दबा के रखने वाला और आज उसका फेवर ले रहा है, उसके लिए कह रहा है कि तुम वो तो वही भाभी है नहीं, तो इसके पहले उसने कभी नहीं बोला, कितने बार पाखी बदतमीजी कर चुकी होगी उसके सामने और हमने देखा भी है। तो ये डिम्पल को ये बात नहीं समझ में आती, वहीं अगर रहती ना काव्या तो उसको समझ में आ जाती, पर नहीं, क्या बोले इनके लिए सच में। और बहुत बुरा लगता है कि वो आज जब वो वीडियो क्या देख लेता है तो वहाँ पे कहता है कि अनुपमा का सपना है, ये उसको कोई मैसेज आता है तो वो कहता है अनुपमा का सपना है, पर वो तो वहाँ अमेरिका चली गई, पर वहाँ रह के भी कर क्या रही, बावर्ची बेलन चुका चौका वही जो उसका है, वही उसका वजूद है, मसाले वही मसाले की बू और जो भी कह रहा है वो, तो क्या बहुत गुस्सा आया मुझे उस समय कि ये होता कौन है ऐसा बोलने वाला। अरे तेरे पास बहुत पैसा है, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, पर तेरे पास सुकून है या तेरे पास वो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो तेरे से खुश है? अरे तेरे से हर कोई डर रहा है, तेरी माँ, खुद की माँ भी तेरे से बात करने में डरती है कि कहीं तुझे बुरा ना लग जाए, कहीं तू खुश नाराज ना हो जाए। ना तेरे पिता तेरे साथ खुश है, ना तेरा पोता, बस वो तो बहुत छोटा बच्चा है, उसको क्या समझता, उसको तो खिलौने दे दिया, खाने को दे दिया तो उसी में खुश हो जाता है, पर कल वो भी इज्जत नहीं करेगा। क्या है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारा तोशु, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास पिछले 5 सालों में एक बार तो भी वापस आया? अजीब इंसान है कि उसको गलत बोल रहा है, उसके वजूद पे सवाल उठा रहा है कि तुम्हारा किचन वजूद है, तो दुनिया की कोई भी औरत इस काम से पीछा नहीं छुड़ाती या फिर इस काम को गलत नहीं समझती? आज वो जो भी है जैसी भी अपने दम पे और खुश है, खुश है, उदासी है आंखों में, अकेला खामोशी है उसके, क्या है, पर वो ये नहीं है, सुकून है, सुकून है। उसको ये पता है कि उसने जिसके साथ भी जो भी किया अच्छा किया और 100% दिया अपना, पर तुम्हारे मन में डर है, तुम्हारा खोने का डर। आज सब कुछ खोकर भी अब तो उसके पास कोई वो डर ही नहीं है, कुछ खोने के लिए उसके पास है ही क्या, बढ़ेगी आगे, पर तुम्हारे जो तुम अभी वो दिखाएंगे, वो जरूर दिखाएंगे कि तोशु अपने बाप को बताएगा कि मैंने मम्मी को देखा और वो देखना कुछ ऐसी हरकतें, फिर उसको परेशान करेंगे, खुद खुद उसके पैर में फिर से बढ़िया बनेंगे।
और वो तोशु आज बहुत बुरा लगा, वो जैसे इधर देखा हमने तो वनराज का भी इधर देखा कि वो फ्लावर लेके आ रही है अपने आप में बात करते करते, तो उन लोगों ने आज देखो एक कुछ मिनटों की डांस किया था इतने बड़े शहर में, उन्होंने फिर भी उसको देखा और उसको आवाज़ लगाया और कहा कि हमारे कुछ उनके इंडियन डांस के स्टेप सिखाओ। ये उसकी पहचान है, ये उसका हुनर है, ये उसको लोग पसंद करते हैं। आज नहीं तो पराया देश में कहते हैं परायों को अपना कर लिया। आज वो रेस्टोरेंट में जब हम रेस्टोरेंट का शो देखते हैं ना, इधर सुकून वाला इतना अच्छा लगता है, वहाँ की वाइब अच्छी लगती, वहाँ इतना अच्छा लगता है, कुछ पल के लिए वो ठहर जाते हैं। हम लोग को देखना चाहते हैं विक्रम के साथ, तो आज उसकी वो किचन में फिर से वो बातें कि जादू है तुम्हारे हाथ में तुम्हारे खाने में, जबकि वो उसका कॉम्पिटिटर है। अगर आज अनुपमा बहुत आगे निकल गई तो वो भी शेफ है ना, खाना बनाता है ना, उसको जानता था अनुपमा के हाथ का खाना देखा बड़ा, फिर भी ना जलन है ना ही उस पर कोई ऐसी भावना कि मेरी वजह अनुपमा कभी आगे निकल जाए। और तुम अपने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ, अभी तो विक्रम के लिए तो कुछ करने का मौका भी नहीं मिला अनुपमा को कि वो कहीं कुछ, इसलिए वो चाह रहा है बिना किसी स्वार्थ के, वो उसके लिए सोचता, अच्छा सोचता है। नहीं तो ये लोग एहसान फरामोश हो, मैं तो अनुज को भी कहूंगी कि एहसान फरामोश है। आज छोड़, आज उसका वो देख के भी बहुत बुरा लगा कि कहता है कि मैंने जो नहीं आ पाया वो तो मालूम था मैं नहीं मिलेगा आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था ये अलग अकेले मिलेंगे, अगर अकेले में मिलेंगे तभी अनुपमा जवाब भी देगी और तभी उनके इमोशन भी सामने आएंगे, जो भी उसके मन में गलत फहमियाँ जो भी है। एक पल लगता है कि मान साथ में मिलना चाहिए और एक पल ऐसा लगता है कि अरे हट नहीं मिलना चाहिए, पता नहीं क्यों आज का शो देखा तो आज फिर ऐसा लगा कि क्या जरूरत है इसके लिए, इसकी बेटी ही सब कुछ है तो क्या एक पल भी उसके ऐसे नहीं थे। आज जो बेटी 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 कर रहा थी, बेटी उसके पास आई कैसे, वो सब भूल गया किसी अनुपमा की वजह से मेरी बेटी मेरे साथ है। पता नहीं कौन से जवाब उसको क्लियर चाहिए थे जो वो उसको तब नहीं मिले। वो तो क्लियर कहते कहते ना कि अनुज मुझे नहीं पता था, कितने बार उसे कहा भी कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने घुटन में घुट रहे हो, इस रिश्ते से इतने सवाल इतनी शिकायतें, ये तो मुझे पता भी नहीं था, तुमने इतने दिन से क्यों सहन किया। तो कहती है कि अनुज क्यों सहन करते रहे, अरे उस समय भी वो माया के समय भी कहती कि क्यों बता देते पहले, तो एक महीने इतना तड़पते नहीं, अकेले नहीं सहन करते, वो तो उस तुम्हारे लिए सोच रही है। और कौन से लैंग्वेज में सुनना था बाबा, मुझे तो अजीब सा लगता है ये, आज का भी देखा उस दिन भी मुझे अजीब सा लग रहा था कि ऐसा, उस दिन जो ख्वाबों में था वो कुछ अलग ही दिखा रहे थे अनुज को, वो तो अलग अनुज लग रहा था, ऐसा लग रहा था गिड़गड़ा रहा था, देखते से गले लगा लिया, यानी गले भी लगना है, रोना भी है और बहुत प्यार, यानी अपने प्यार ये भी दिखाना है, सब दिखाना है। और मुझे क्यों छोड़ के गई मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा नहीं रोकना चाहे ना टाल, तुम्हारी बात टालना नहीं चाहता था। आज उसका गुस्सा देखा, पता नहीं है वो कैसे मुलाकात होगी, मुलाकात में क्या दिखेगा ये तो नहीं पता। पर हाँ अभी जो लगता है मुझे कि आज इनकी जो अभी रिकैप में दिखाया तो हो सकती है मुलाकात, हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अभी दोनों, मुझे लगता था कि अगर साथ में श्रुति के साथ रहते ना तो अनुपमा फिर बोलती नहीं, अनुपमा ये दिखाती कि उससे उसको कोई मतलब नहीं, उससे उसके बात ही नहीं करनी है, ना ही मुझे तुम्हारे सामने आना, वो ये बोल के जरूर वहाँ से निकल जाती, क्योंकि वो श्रुति का बुरा नहीं चाहती, वो अनुज का बुरा नहीं चाहती, क्योंकि श्रुति ने इतना भी पता है उससे ये समझ में आता है कि अनुज उससे उसमें आगे बढ़ गया, उसको समझ में आ जाता है ये एक है मेरा अनुज है और ये आगे बढ़ गया, तो वो क्यों किसी की लाइफ खराब करने आएगी, वो नहीं करेगी, इसलिए मैंने कहा था नहीं मिलेंगे। अभी वो ऐसे मिलेंगे कि इनको इमोशन समझ में आएंगे, शायद कोई गलत फहमी वो दूर हो जाएगी। आज अजीब सा लगा अच्छा शो मुझे थोड़ा सा, यानी कि वो ही कि उस बिचारी के, उस बिचारी नहीं है वो, उसके मन में इतना सब तकलीफ, अकेली होके सबके लिए दुआ मांग रही, सबके लिए, सबके नाम शामिल है क्या, सब लोग बोलो कि सब बोलते हैं एक्स पति, एक्स पति जो सब लोग बोलते हैं ना, तो क्या उसके वनराज के लिए, क्या काव्य के लिए दुआ निकली, नहीं उसके बच्चे के लिए, उसके बाप बापू जी के लिए जिनको अपना, ये तो उसका मायका था, वो उसको मायका कहती थी, वो एक्स ससुराल नहीं समझती थी, अब तो समझो यार, अब तो समझो कि वो क्या चाहती कैसा चाहती है। कमाल है यार, बस जो बहुत अजीब सा लगता आज का शो तो मुझे वाकई में, मैंने अनुज का वो जो डायलॉग सुना ना तो हिला दिया कि क्यों मिलना है भाई, किस्सा के जवाब में 5 साल काफी नहीं थे, तुम तो कुछ जी रहे थे तभी ढूंढ लेते तभी रोक लेते थे ना, तो खत्म किस्सा हो जाता था उसी समय, आज 5 साल खुश तो रहते,
अगर तुम्हें तुम्हारे को जो तुम्हारे जवाब मिल जाते, तुम्हें शायद ऐसा लगता था कि वो तुम सही हो, अनुज के लगता है कि वो अनुज बहुत सही है, तो मिल जाते थे। अनुपमा ने उसको क्यों छोड़ा था? 5 साल तुम्हारे जो दर्द में या तुम्हारे जो घुट जो भी तुम यादों में तुम्हारी लड़की तुम्हारी बेटी में वो पैनिक अटैक नहीं करते, और आज तो नाटक ही किया रे भाई, आद्या ने नाटक ही किया, और सबसे बढ़ के वह अनुपमा ने कभी ऐसा नहीं किया। बहुत अजीब सा लगा, चाहती तो वो भी कर सकती थी नाटक, अच्छा अच्छा बनने की, अच्छा अच्छा करने की चाहती तो उसके माँ को उसको सरेआम ये कर सकती थी। क्या समझोगे अनुज तुम अनुपमा को कि उसने तुमसे इतनी सारी बातें छुपाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छुपाई कि तुम्हें हर्ट न हो, तुम पीसो ना, अकेले बर्दाश्त की। क्या वो तकलीफ तकलीफ नहीं थी? जब उसको ये पता चलता है कि वो मालती देवी अपनी उसकी बेटी को उसके खिलाफ कर रही, क्या वो दर्द नहीं था? क्या वो दर्द नहीं था जब इसने रोमिल ने बताया था कि ये मालती देवी आपको और अंकल को अलग कर देगी आंटी, तब क्या वो तकलीफ उसको उस समय कोई टीस नहीं थी? अभी दर्द नहीं होता, पर नहीं चाहती थी कि वो माँ बेटी का रिश्ता खराब हो, अनुज पीस के रह जाए, तुम्हें उस तकलीफ नहीं देना चाहती थी। प्यार है पर समझा ही नहीं, अजीब सा लगा आज मुझे। अनुज ने फिर से हर्ट किया, उस दिन अच्छा लगा, कल अच्छा लगा, शायरी में लगा अनुज को याद, अनुपमा को प्यार से याद कर, और आज फिर ऐसा लगा, पता नहीं ऐसा लगता है कि क्या है, ये भी दिख ऐसा भी दिखता है वैसा भी दिखता, बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग रोल दिख रहा है अभी अनुज का, बहुत कैरेक्टर कंफ्यूजिंग दिख रहा है। थैंक यू सो मच अंजु जी, थैंक यू। नमस्कार अंजु मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। एक कहावत है मैडम, आज का शो देख के मुझे याद आई, पिता पर पूत घोड़े पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मगर यहाँ पे तो पूरा ही पूरा हो गया है। ये कुछ कैरेक्टर्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा अनुपमा सीरियल के। ये तोशु को आज हमने देखा, ये डिट्टो पूरा का पूरा बनराज अपने बाप बनराज शाह पे गया है। ये करेक्टर हमने देखा कि कैसे अचानक से अनुपमा को देख के ही गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। ये जरूर कुछ ना कुछ इसने झोल झपाका किया है। क्यों अपनी माँ को, जिसने तुमको पैदा किया, जिसने कदम कदम पे तेरी सपोर्ट की, मतलब पूरा का पूरा घटिया भी उतना, स्वार्थी भी उतना, वनराज शाह जितना, और कमीना भी उतना। ये करेक्टर के बारे में आपको बताऊं, लेकिन वो बच्ची बड़ी प्यारी, जो बच्ची लगी, जो इसकी जो एंजल है, जो परी, तो वो बड़ी ही बच्ची है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो संस्कार दिखाई देते हैं केंजल के, केंजल का एंजल बना दिया। और दूसरा, मैं यही कहावत जो आध्या के ऊपर भी लागू होती है, वो पिता तो हमको पता नहीं भाई उसका कौन है, मगर माता जो थी वो बिल्कुल वैसी ही वैसी है, लाख कुछ कर ले, अनुपमा के साथ उसके संस्कार रहते तो शायद बदल जाती मत, मगर आज हमने आज के सीन में देखा वो भी ऐसी ही है, अपने ही पिता को मूर्ख बना रही है। और अनुज कपाड़िया मैडम, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ ईमानदारी से के उसके खिलाफ ना बोलूँ, उसके प्रति पॉजिटिव हो जाऊँ। उसका जो प्यार जो देख के उसने किया था वहाँ पे, जो मोनोलॉग था उसमें, लगा कहीं ना कहीं चल ठीक है यार, ये भी दुखी होगा इसकी साइड भी, मगर नहीं, वो फिर से वो भी अंदर से इगोइस्टिक जो होते हैं ना, इगोइस्टिक मेल, डीप रूटेड वही है, वो ऊपर लबादे चढ़ाए हुए हैं बहुत सारे, इसी के लिए उस चीज़ को नाम ये जो छोटी के प्रेम का दे रहा है, जिस प्रेम में वो इतना अंधा हो गया है कि जो हमको 2+2=4 दिखाई देता है वो उसको दिखाई नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना, छोटी बार बार उसको रोक रही है। अब जोशी बहन ना हो गई कि मतलब कौन हो गई कि जिसको एक छोटे से छोटी सी जगह पे स्पाइस एंड चटनी में, जहाँ पे श्रुति रोज जाती है, वो इतने दिन से हम देखने को हो गए, उसको पता चल गया, अब तो क्लियर हो गया कि अनुपमा है, मिलना चाहता तो भाई मिल के आ, बाकी के काम नहीं करता होगा वहाँ पे बैठ के, हर चीज़ में आध्याय को बता के ही जाना जरूरी है। तेरे को अगर सेंस समझ में आ गई कि तभी इसको दौरे पड़ते हैं,
मिल गया। फिर बाद में भी हमने देखा स्नोफॉल के ऊपर पता नहीं कहाँ ढूंढने चला गया। सीधा हमने जाके वहाँ पे इंक्वायरी करता देखा एक बार, जब पता है कि वहाँ पे वो लगी हुई है भाई, सीधा उस स्पाइस एंड चटनी में जा। ये हमको भाई कहानियाँ कुछ मैडम समझ नहीं आती। पर मैं एक बात कहूँगा कि कान्हा जी, अब अनुपमा जो कि एक सच्ची ईमानदार लेडी है, वो उसकी मदद ही कर रहे हैं। एन मौके पे वो चीज़ें गिर गई, खाना गिर गया, तोशु मिला, और एन मौके पे जो है इनका जो भी हुआ कि ये इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया आने का, क्योंकि ये अगर मिल गए तो फिर से वही जंजाल में, झंझट में। हम लोग अनुपमा को राइज करते हुए देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि इनके मुंह पे थप्पड़ बजे, अनुपमा इतनी ऊपर उठे, ये देखे, सर उठा के इनको देखना पड़े अनुपमा का कद। अनुपमा के लिए मैं वही शेर जो मैं है, किसी ने मैंने भी सुना था आगे, वो बोला था किसी ने एक शेर के, अनुपमा का कद तुम नहीं जानते, आसमान है फिर भी झुका हुआ है। धन्यवाद मैडम, आज इतना ही। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, मनीषा जी, अर्चना त्यागी जी, सीमा गुप्ता जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा। और रानी महेंद्रू जी, आपको ढेर सारा प्यार और हक, आपको ऑडियो अच्छा लगा। और ख्याति जी, आपका ऑडियो कल का बहुत अच्छा था। आपको एक बात, हमको एक बात समझ नहीं आ रही है कि प्रेम तो अंदर से होता है, तो क्या श्रुति को समझ नहीं आ रही है अनुज की फीलिंग्स? अनुज उसको प्यार नहीं करता है, प्यार तो महसूस करने से ही पता चल जाता है, तो क्या श्रुति को अनुज की तरफ से प्यार महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इतनी छोटी सी बात श्रुति क्यों नहीं समझ रही है? जब वो अनुज को हक करती है तब भी कोई इमोशंस अनुज की तरफ से नहीं होते हैं। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा परेशान अपनी यादों से, अनुपमा इस सब से निकलकर अपने काम पर फोकस करो। कौन अपने हैं तुम्हारे? वो अपने जिन्होंने तुमको पलट कर नहीं देखा कि तुम हो कहाँ, जिंदा भी हो कि मर गई हो। निकलो इस भ्रम जाल से। फिर शाह हाउस, अरे छोड़ो शाह हाउस, उसी शाह हाउस के पीछे इस राह पर खड़ी हो बा तुम्हारी, भगवान न करे ऐसी बा किसी को भी मिले, एहसान फरामोश बा। और कौन बेवली? वही ना जिसको छोड़कर तुम चली आई थी, उसको अकेला छोड़कर, ये भी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगी। अब पाखी अपनी फ्रेंड्स को लेकर आती है और ईशानी को बुलाती है तो वो नहीं बोलती है। तब डिम्पी कहती है कि गेस्ट आते हैं तो क्या करना चाहिए, तब ईशानी जय श्री कृष्ण कहती है। बा खुश पर पाखी आग बबूला, दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा, बेटी कहते हैं पर काम मेड वाले, और लग भी रही है मेड। डिम्पी नाश्ता लाती है, उस पर पाखी की बदतमीजी। वनराज बीच में बोल पड़ा, आद्या तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपने पॉप्स को अनुपमा से मिलने से, चाहे कुछ भी कर लो, दोनों मिलकर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आद्या ने कुछ तो प्लान कर लिया है, अनुज तैयार हो रहे हैं और अनुपमा उसको याद आ रही है। आद्या प्रोजेक्ट का बहाना लेकर रोकने का प्रयास करती है, पर अनुज ने मना कर दिया सीधे सीधे शब्दों में आद्या को। अब कुछ और प्लान करो आद्या, ये तो तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अनुपमा पूरे मन से तैयारी में जुटी हुई है। विक्रम का कहना, आज एक एक के होश उड़ने वाले हैं। वो तो अनुज जब अनुपमा के सामने होगा तब तो होश उड़ने ही हैं। वनराज का अच्छा जवाब पाखी को मजा आ गया। उसके मन में कुछ भी हो वनराज के, पर अभी जो कहा वो अच्छा लगा। पाखी से सॉरी बोलने को कहा। पाखी के दोस्त खुश, क्या गेम खेल रहा है वनराज शाह, वाह। वनराज शाह, इतना घमंड अच्छा नहीं है अनुपमा के लिए, इतनी घटिया सोच, छी, शर्म आती है तुम्हारे ऊपर। बस थोड़ा रुको, देखना अनुपमा को, उसको देखने के लिए तुमको अपना सिर ऊपर करना होगा। बस थोड़ा सब्र रखिए वनराज शाह, ये बात याद रखिएगा। और वो डांस वाले, वो इंडियन डांस स्टेप सीखना चाहते हैं, पर कहाँ, तो वो बोले यहीं अभी। तो अनुपमा डांस स्टेप सिखाती है, एक बच्ची भी सीख रही है, अच्छा है वो अपनी दादी से डांस सीख रही है, एंजल नाम बताया बच्ची ने, और भाग जाती है और तोसु के गले लग जाती है। अनुपमा बहुत खुश परी तोसु को देखकर।
तोसु तोसु बुलाती है, पर तोसु मुंह बोलता है और चला जाता है वहां से। वाह तोसु वाह, ऐसा ही बेटा घर घर में होना चाहिए। सच, ऐसी औलाद भगवान न करे किसी की हो। तोसु पाखी को तो देखने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल। खाना गिर गया अनुपमा से, सब कुछ सोचते सोचते। तभी श्रुति का फोन आता है खाना घर भिजवाने को। तब अनुपमा को राहत की सांस आई। फिर पूछती है आद्या ठीक है, तो श्रुति बताती है कि पैनिक अटैक आ गया जैसे ही हम निकलने वाले थे। तभी आज नहीं आए हैं पर कल जरूर आएंगे पक्का, कल हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आद्या ने नाटक किया था पैनिक अटैक का। अनुज को अनुपमा से मिलकर जवाब चाहिए। सही भी है, उसके मन में जो है कम से कम जवाब तो मिले उसको। अनुज के मन में गुस्सा है अनुपमा को लेकर कि वो उसको छोड़कर क्यों गई। और प्रीकैप में देखा अनुज रेस्टोरेंट में गए हैं अनुपमा से मिलने, पर अनुपमा स्नोफॉल का आनंद ले रही थी। अनुज अंदर जाते हैं रेस्टोरेंट में, बाहर अनुज का मफलर गिर जाता है, वो अनुपमा को मिलता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका वीडियो देखा, अनुज के दोहरे चेहरे के साथ में वो अनुपमा के साथ में पास जाके कौन से सवाल करना चाहते हैं अनुज, उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अकेले में अनुज जब होते हैं तब उसे अनुपमा की सारी प्यारी यादें याद आती हैं, उसे प्यार भरे पल जो अनुपमा के साथ गुजारे वो याद आते हैं। और छोटी के सामने आते ही, आद्या के सामने आते ही अनुज का चेहरा और चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल जाता है। अंजू जी, मैंने कल का भी एपिसोड देखा और आज का भी देखा, और कल के एक आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा था कि आप अनुपमा की तरक्की में अनुपमा की बर्बादी है। अनुज के सामने आते ही अनुज के वैसे बर्बादी नहीं है, लेकिन अनुपमा उसका सामना नहीं करना चाहेगी। अनुपमा अपने को दुख न पहुंचे इसलिए वो जाना चाहती है, तो खड़ूस उसे रोकेंगे और उसे कांता माँ की तरह नहीं, लेकिन पोलाइटली नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट होकर उसे समझाएंगे कि तुम हिम्मत से सामना करो, तुम गलत नहीं हो, तुम क्यों वहाँ से जा रही हो। ये वीडियो देखा था आपका, और एक वीडियो आपका था कि तोशु ने कुछ कांड किया है। वो 5 साल की जो जर्नी बताई उसमें शाह में भी बताया था कि उसमें आपने शाह का भी बताया था कि शाह वालों ने कहा कि अभी अनु ये तोशु और किंजल यहाँ नहीं आ रहे हैं, गिफ्ट बेचकर ही काम चला रहे हैं। और एक वीडियो में आपने बताया था कि घर के अंदर अनुपमा की अच्छाई के लोग प्रशंसक हैं, तो घर के बाहर भी लोग हैं। जिस उसमें आपने वो अंश के लिए जो पड़ोसी फरियाद लेके आए थे उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि अब वनराज ये कोशिश कर रहा है कि वो अनुपमा की तरह उसे संस्कार देगा। कल के एपिसोड से मुझे जो बातें समझ सीखने को मिली, पाखी सिर्फ अपने लिए सोचती है और फर्ज के टाइम में कुछ नहीं। पापा कमा के दे रहे हैं तब तक पापा की वो रिश्तेदार है, और घर में हिस्से चाहिए लेकिन समर का हिस्सा नहीं मिलने देना चाहती, क्योंकि उसे उससे जलन है और कह रही है कि वो दूसरी शादी करना चाहती है। और कल के एपिसोड में माँ की सभी वो गुण दिखाए गए, और अनुपमा की अच्छाई थी, अनुपमा की खाना बनाने की वो डिश को खड़ूस ने पसंद किया, उसमें उन्होंने बोला कि ये तुमने कहाँ से सीखा और किस डिश का नाम क्या रखोगी। तो माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए, जैसे कि कल वर्षा जी ने भी कहा था कि अपने बच्चों को हरी सब्जियाँ या कोई मनपसंद सब्जी ना हो तो उनको खिलाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। अनुपमा की इतनी अच्छाई थी कि वो जानती थी कि श्रुति छोटी की सगी माँ नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। लेकिन वो तभी उसने श्रुति को बताया नहीं कि आद्या ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था, तुम्हारे घर के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन उसकी अच्छाई थी अनुपमा की, ये उसने नहीं बताया। एक कल के एपिसोड में 2 कहावतें थी कि गांव बसा नहीं लुटेरे चले आए, बा ने जो पाखी को कहा था, और दूसरी गंगा में कितना पानी बह गया है 5 सालों में, ये अनुपमा की बात अच्छी लगी थी। कल अनुपमा को अपने 4 बच्चे याद आ रहे थे, आज भी अनुपमा
मेरे अपने कहाँ होंगे, उस तरह से वो परेशान थी। आज का एपिसोड भी देखा तो आज के एपिसोड से जो मुझे सीखने को मिला कि ये पैनिक अटैक का नाटक कर रही है, किसी भी तरह से आद्या मान को मिलने नहीं देना चाहती है। और ये बात पक्की है अंजू जी कि सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट के पीछे उसका हाथ है, ये बात कहीं सामने ना आ जाए, ये बात उसका डर है, या कुछ और बड़ी बात है जो उसके भेद खुल ना जाए, इसीलिए वो मान को मिलने नहीं देना चाहती, मान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ाती रहना चाहती है। और आज पाखी का व्यवहार देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था अंजू जी। पाखी यही कह रही है कि डिंपल अपने दोस्तों को बुलाती है और डिंपल को एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। डिंपल को देखकर, वैसे तो मुझे शाह हाउस वालों को देखकर अंजू जी बिल्कुल भी दया नहीं आती, लेकिन आज डिंपल को देखकर थोड़ी सी आँख में आंसू भी आए और दया आई। और पुराने ज़माने में जो लेडीज़ विधवा हो जाती थी उनके साथ वो घर में इसी तरह से ससुराल में रहती थी कि नौकरानी बन के रहूँगी, फिर भी मेरे बच्चे को परवरिश मिल रही है, अच्छा खाना पीना पहनना ओढ़ना पढ़ाई और संस्कार मिल रहे हैं। पर कल के हादसे से अगर पड़ोसी ने फरियाद की है तो उसके लिए डिंपल कोई पक्ष नहीं लेगी। तो आगे चलकर अंश अगर बदतमीज़ होता है तो ये शाह हाउस वाले डिंपल को ही दोषी मानेंगे कि तुमने अच्छे संस्कार नहीं दिए। और आज वनराज ने पाखी को डांटा पर उसके पीछे उसकी मंशा भी समझ में आ गई कि पाखी तो गुस्सा करके भी यहीं रहने वाली है, क्योंकि वनराज को इतना पता है कि वनराज के जब तक उसे पैसे दे रहा है तब तक पाखी किसी भी अपमान के घूंट को पी लेगी, वो किसी का थूका हुआ भी चाट लेगी, इतनी गंदी है पाखी। अब वनराज शाह को अंजू जी, आज अनुपमा ने जैसे प्रार्थना की कि मेरे अपने सारे खुश हों, शाह उसमें किसी के लिए बाप बापू जी के उसके या चारों बच्चों या डिंपल से उसने वादा किया था वो नहीं निभा पाई, उसके लिए अफसोस करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वनराज कितने गंदे तरीके से बोल रहा है कि मैं अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गया और तुम वहीं की वहीं हो, अमेरिका जाकर भी एक बावर्ची का काम कर रही हो। क्यों वनराज, वो तुम्हारे पैसे से नहीं गई है और तुम उससे अब क्या, अभी इतने बर्बादी करके अनुपमा की आप लोगों को शाह हाउस वालों को शांति नहीं मिली है, तो अभी एक तरफ उसके बारे में सब कुछ जानना भी है और एक तरफ उसका नाम कोई नहीं लेगा, ये वनराज भी दोहरा चेहरा है। और अनुज को भी आज देखा, कल अनुपमा की याद में, अनुपमा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह, जैसे कि आपने अपने वीडियो में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और छोटी ने पैनिक अटैक का नाटक किया तो अनुज रुक गए। तो क्या ये सब शादी के बाद में श्रुति समझ पाएगी इन लोगों का दोहरा चेहरा, या अनुज अनुपमा से मिलकर ये कहना चाहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ी और मैं आगे बढ़ गया हूँ, देखो मुझे श्रुति जैसी लाइफ पार्टनर मिल गई है, अनुपमा को जलाने के लिए मिलना चाहते हैं इसीलिए उससे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या प्रश्न है अनुज के दिल में। अब देविका की एंट्री होगी, अच्छा लगेगा। और आज तोशु ने भी अपनी माँ को इग्नोर करके दिखा दिया कि वो वनराज का ही बेटा और वनराज ने वही तुम्हारे पास से मसाले की बदबू आती होगी और तुम किचन के रहने के लायक ही हो, यहाँ भी और वहाँ भी, तुम कहाँ भी रहो तुम सिर्फ किचन के काम करने के लायक हो। बहुत बुरा लगता है अंजू जी, किसी तरह से किसी लेडीज़ को अपने हिसाब से वो आगे बढ़ रही है, अब किसी का सहारा नहीं ले रही है, किसी की वो नहीं कर रही है, फिर भी आप लोगों के क्यों, आपको आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है तो खुश रहो ना अपनी ज़िंदगी में। क्यों वनराज या अनुज को आप अनुपमा की ज़रूरत है? और अनुज अभी छोटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो क्या ज़रूरत है अनुज को भी अनुपमा की? क्यों आप सामने आना चाहते हैं? वह अनुपमा अपने तरीके से जी रही है, बार बार गिरकर वो खड़ी होने की कोशिश कर रही है, तो क्यों आप सब उसको पैर खींचकर गिराने की कोशिश कर रही? सच में ये अपने नहीं होते अंजू जी जो पैर खींचकर गिराए हमको।
अपने वो होते हैं जो हमको मुसीबत में हाथ देकर खड़ा करें। अब देवी का आकर अगर यहाँ कुछ करती है तो अच्छा है, क्योंकि अनुपमा तो अपने लिए पक्ष लेने से रही, अनुपमा अपने दर्द को, अपने कड़वे घूंट को पीकर ही जी रही है। बहुत बुरा लगता है अंजू जी मुझे अनुपमा के लिए इस समय। सबके लिए अच्छा करने के बावजूद आज उसका कौन है अंजू जी? थैंक यू सो मच मेरी आप सभी को, मैं मुझे कल सभी के ऑडियो अच्छे लगे थे। और थैंक यू रानी जी, कुमुदिनी जी, अंजू जी, वर्षा जी, ख्याति जी, आप सभी को मेरा दिल से थैंक यू इतनी मेरी केयर करने के लिए। और अगर आपके यहाँ संक्रांति 15 तारीख को मनाई जा रही है तो कल के लिए एडवांस में वीर जी आपको, रानी जी आपको, और जो भी पंजाबी भाई बहन है उन सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और अगर कल संक्रांति आप लोग मना रहे हैं तो आज के लिए आपको, आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा जी आप अपना ध्यान रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, यही प्रार्थना है। और रानी महेंद्र जी आपको भी इतने अच्छे कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू। अंजू जी आज का एपिसोड देखा, कल आपके 2 रिव्यू भी देखे मैंने, कि सा हाउस के अंदर ही नहीं बाहर भी हो रही है अनुपमा की चर्चा, तिल मिलाया वनराज। और आज जो वनराज की बातें थी अनुपमा को लेके, सच में उसमें सिर्फ उसका घटियापन ही दिख रहा था। तो वनराज के लिए कुछ कहती हूँ कि वनराज तुम बिना बुनियाद की इमारत हो जिसका वक्त आ गया है गिरने का। 5 साल तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब बहुत हो गया। और रहा सवाल अनुपमा का, तो वो पहले भी तुम्हारी मोहताज नहीं थी और अब भी नहीं है। अनुपमा अकेली है वनराज, फिर भी खुश है, उसके दिल में सुकून है, यहाँ तक कि सबके लिए प्रे भी कर रही है। पर तुम्हारे पास तो सब कुछ है पर कोई खुश नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। कुछ नहीं है, तुम्हारी हालत तो बस से बदतर है। तुम्हारी जिंदगी अब अनुपमा का ही वक्त है वनराज, तुम बस अपने मन में जलते ही रहोगे और वो आगे निकल जाएगी। और सच में जो आपने तरक्की के साथ ही आया अनुपमा की बर्बादी का सामान, अब खड़ूस ही बचाएगा जब कान्हा जी को, सच में जब कान्हा जी को पता होता है कि जब कोई मुसीबत में है, मुसीबत में होते हैं तब वो किसी ना किसी रूप में आ ही जाते। और यश जी भी वही है, क्योंकि अनुपमा इमोशनल है और यश जी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सोचते हैं, उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है, उन्होंने भी अपनी लड़ाई में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, इसीलिए वो अनुपमा को सही राह दिखाएंगे और अनुपमा उनकी बात मानेगी भी। और आज सुबह का आपका जो रिव्यू सुना अंजू जी की, अनुज का ये कौन सा दोहरा चेहरा है, आज भी उसके लिए सिर्फ छोटी प्रायोरिटी है, तो क्यों उसे अनुपमा से सवाल के जवाब चाहिए और किस बात के जवाब चाहिए? पहले खुद से सवाल के जवाब पूछो और उसका जवाब खुद ढूंढो, उसके बाद अनुपमा से सवाल के जवाब मांगना। क्यों दे वो तुम्हारे सवालों के जवाब और फिर से उसे हट करने के लिए जा रहे हो? क्योंकि आज सच में अनुज के तेवर बिल्कुल अलग ही लगे। अब उसे अनुपमा से कौन से सवालों के जवाब चाहिए? आज भी अनुज के लिए छोटी ही पहले आती है। जब तुम्हारे लिए छोटी ही पहली प्रायोरिटी है तो फिर अनुपमा क्यों चाहिए? रहो ना श्रुति के साथ, रहो, शादी करो और अपनी छोटी के साथ रहो और अपनी जिंदगी जियो। एक पल के लिए जब उसके पीछे भागते हो तो दिखाते हो कि तुम्हें उसे प्यार है, और दूसरी तरफ अब तुम्हें यह जानना है कि सोची बहन जोशी बहन सच में अनुपमा ही है। और जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मुझे चैन नहीं आएगा।
क्यों भाई? अब तो उसे चैन से रहने दो। क्या पूछना है उसे कि तुमने मुझे और छोटी को क्यों छोड़ा? क्यों तुम पीछे मुड़कर नहीं देखा? तुमने तुम्हें एक पल भी नहीं लगा कि मैं और छोटी कैसे होंगे? ये छोटी, अगर छोटी सब कुछ है तो क्यों कि तुमने माया से वादा किया था कि तुम छोटी को छोड़ के नहीं जाओगे, फिर भी तुम क्यों चली गई? ऐसे कौन से सवाल के जवाब अनुज को अनुपमा से पूछने हैं? वो तो दूर रहकर सब कुछ छोड़कर भी आज एक सुकून की जिंदगी जी रही है। वो गरीबी में भी खुश है। उसे तब भी पैसों के लालच नहीं थी, ना अब है, लेकिन सुकून तो है। पर सच में आज वनराज कितना स्वार्थी है। अपनी बेटी को डांट रहा है, लेकिन किस लिए? कि बेटी नाराज होगी लेकिन इसी घर में रहेगी। अगर डिम्पी चली गई तो अंश भी चला जाएगा। स्वार्थी और सेल्फिश में तो वनराज का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और इस लड़की ने, आपने कल कहा बिल्कुल सही कहा, कि ये लड़की पैनिक अटैक का ही नाटक करेगी। और उसने वही किया, और मन में भी बोल रही है कि सॉरी पापा, मैं आपको हर्ट कर रही हूँ। ये लड़की को खुद की, कितनी स्वार्थी और सेल्फिश लड़की है, खुद का ही दर्द दिख रहा है, बाप का तो कुछ भी नहीं दिख रहा उसे। इतने परसेंट भी वो बाप के लिए लॉयल नहीं है, उसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, और ना वो किसी की, बड़े की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन आज सच में वो सीन बहुत अच्छा लगा, जो वहां पे डांस, जिसके साथ उसने पहली बार डांस किया था और उसने पैसे कमाए थे और फिर वो पानी और वो खाना लिया था। आज उन्होंने खुद अनुपमा को बुलाया। सच में वो कहते हैं ना कि अपने हमें दर्द देते, लेकिन पराए सच में बहुत खुशी देते। और आज उन्होंने जिस तरीके से उन्हें बुलाया और कहता है कि मुझे आपसे स्टेप सीखने, इंडियन सब उसे बुला रहे, सच में वो सीन बहुत बेस्ट था। और एंजल परी कितनी सुंदर लग रही है, अपनी दादी को डांस करते हुए देख रही है और वो भी कर रही है स्टेप। जब उससे बात करते तो मुझे हिंदी आती है बोलती, कितनी क्यूट है। लेकिन सच में तोसु सबसे नालायक लड़का है। ये तोसु और पाकी दोनों एक ही जैसे। लेकिन ये भी सुनने में आया कि एक दिन किंजल और अनुपमा का आमना सामना होगा और तब उसे परितोषा असली चेहरा भी दिखाएगी तोशु को, कि क्यों तुम्हें पता था कि मम्मी है लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्योंकि हम जानते हैं कि किंजल अनुपमा की बहुत इज्जत करती है। जो हादसा हुआ उसके बाद जिस तरीके से परितोष अपनी माँ से बात करता है, वो उसे पसंद नहीं आता है, वो पहले से उसके खिलाफ है। इसीलिए तो वो 5 साल उस घर में नहीं गई और सिर्फ गिफ्ट ही बेचती रही सहा उसमें। लेकिन सुनने में ये भी आया कि किंजल ही अब शायद अनुपमा की हेल्प करेगी, उसे मॉरल सपोर्ट देगी। अब वो दिखाते नहीं दिखाते वो तो देखेंगे हम, लेकिन सच में आज उसे जो लगा, वो खाना गिर गया और जिस तरीके से विक्रम भाई उससे सब पूछ रहे थे, बहुत अच्छा सीन था वो। आप क्यों रो रही हो? अपने भूल जाते हैं, लेकिन माँ, एक माँ कैसे भूले? वो तो सबके लिए ही प्रार्थना करती है। खाना भी गिरता है, फिर अच्छा वो फोन आ जाता है कि हम नहीं आ रहे लेकिन हम कल आएंगे। ये लड़की कितने दिन नहीं मिलने देगी? वो भी देखना, देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो जाएगा, देखते वो कितने प्यार से। पहली बार, सच कहा आपने अंजू जी के, पहली बार तो गुंडे थे इसलिए उसने वो मजा नहीं ले पाई, लेकिन अब ले रही है, उसका सपना पूरा हो रहा है। वो जो स्नो गिरती है, अंजू जी, क्या अनुज को ये नहीं पता है कि शादी से पहले अनुज अनुपमा की सरनेम जोशी थी? आज वो कह रहा है कि जोशी बेन वही अनुपमा है, मुझे देखना है कि जोशी बेन ही अनुपमा है। खाना पहचान लिया, और अनुपमा के लिए अभी भी शक है। क्या बात है अनुज का पाड़िया,
सच में आप बहुत ही महान हो। सच कहा जी आपने, सॉरी, सच में आज इस लड़की का पैनिक अटैक का जो नाटक किया उसने कि अपने बाप को वो हर्ट नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी वो अनुपमा से ना मिले इसलिए वो नाटक करती। सच में आज लड़की ने याद दिला दिया कि उसकी माँ भी यही नाटक करती थी। जब वो आया था मुंबई से समर की पहली पूजा में माया को लेके, तब भी माया ने जब पंडित जी अनुपमा से फूल मंगवाते और वो फूल लेके आती और घिरने वाली होती तब अनु संभालता है और उसके कुर्ते में अनुपमा का मंगलसूत्र फंसता है, तब भी उसने दोनों खो जाते हैं एक दूसरे में अनुज और अनुपमा, तब भी इसने ऐसे ही नाटक किया था पैनिक अटैक का। और दूसरी बार भी जब वो उसके पीछे पीछे गया था ऊपर कमरे में, सारा ठिकाने वो पागलों की तरह ढूंढती रहती थी, जब नहीं मिला अनु तो फिर से वो फिर ऊपर जाके देखती, तब भी उसने यही नाटक किया था दोनों को साथ में देख कर। सब लोग कहते हैं ना कि हम लोग छोटी सी बच्ची को गलत समझ रहे, उसके खिलाफ बोल रहे, तो आज तो उसने खुद ही साबित कर दिया कि वो भी माया की ही बेटी निकली, अपने बाप के जज्बातों के साथ खेल रही है, अपने बाप के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है लड़की। सच में अनुज ने इस लड़की के लिए अनुपमा को छोड़ दिया, आज भी उसकी प्रायोरिटी वही है, तो रहो भाई अपनी बेटी के साथ ही, क्यों तुम्हें अनुपमा अब चाहिए। इसने जो भी कुछ याद रखा सिर्फ नेगेटिव बातें याद रखी, पॉजिटिव बातें पूरी की पूरी अनुपमा की भूल चुकी है। खुद भी 8 साल उस अनाथ आश्रम में रही, वहां के भी सब कुछ भूल चुकी हो। अनुपमा की परवरिश, उतना प्यार, वो सब भुला दिया। सच में आज का एपिसोड देख के उतना मजा ही नहीं आया, और सबसे अनुज की जो बातें, वो लड़की के नाटक, वो देख के भी पसंद नहीं आया। देखते अब आगे क्या दिखाते, लेकिन मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। जब अनुपमा उत्तराधिकारी बनती है और जब उसका डांस भी चालू होता है, तब भी वहां की भी इसी तरीके से नाटक करती थी माया। आज उसने पूरी की पूरी माया की याद दिला दी इस लड़की ने। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था कि विक्रम भाई आते हैं और बोलते हैं ये क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, कितना भी भाग लो, कि कितना ही दूर क्यों ना चले जाओ, कि ये यादें जो है ना वो पीछा ही नहीं छोड़ती, कि आप कोशिश करते हो कि नहीं याद करूं, कि सब कुछ भूल जाऊं, कि फिर भी अपनों की याद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और विक्रम भाई बोलते हैं कि आंखें भर जाती हैं, कि और कर भी क्या सकते हैं, जो है सो है। फिर अनुपमा बोलती है जो है सो है, और विक्रम भाई और अनुपमा का दर्द एक ही जैसा दिखती रहे, कि बस हम इतना ही प्रार्थना कर सकते कि हमारे अपने खुश रहें, ठीक रहें। कि पूरे अपने बच्चे लोग का भी नाम लेती है, फिर बेबली भी बोलती है छोटी अनु को, और फिर अनुज का भी नाम लेती है, कि सब हमेशा खुश रहें। रियलिटी में अगर किसी के घर पे अगर ऐसे बच्चे रहते होंगे तो माएँ कैसी रहती होंगी? क्या रियलिटी में किसी के घर पे ऐसे बच्चे लोग रहते होंगे? वो बच्चे माँ से दूर रहें, लेकिन माँ का सम्मान और इज्जत करनी चाहिए। कि आपको अगर उनके साथ नहीं रहना है, लेकिन उनकी इज्जत तो करो भाई। ये सॉरी यहाँ पे भाई वाला वर्ड निकल गया, कि कितने दर्द कितने पेन के बाद भी वो उस बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे जब बड़े हो तो उन्हें समझना चाहिए अपने माँ बाप को यार, जो गड्ढे हम अपने माँ बाप के लिए खोदते हैं एक ना एक दिन उसमें हमें भी तो गिरना पड़ता है। कहते हैं लोग कि आप दुनिया से भाग सकते हो पर अपनी औलाद से कभी भी नहीं भाग सकते। कि अच्छे हो या बुरे कर्म, जो अपने माँ बाप के साथ गलत करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी गलत होगा। यदि आपको आपसे गलती भी होती है तो उस गलती की माफ़ी मांगने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। कि माए केवल माए नहीं होती हैं, यदि उस माँ के दर्द को अगर एक बच्चे को दे दिया जाए ना महसूस करने के लिए, तो बच्चा महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उस बच्चे को उस माँ दर्द में देखती है ना तो उसके एक दर्द होते हैं ना तो उसके लिए 100-100 दर्द बन जाते हैं वो चीज़ें। उसके आँखों के आंसू नहीं रुकते, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होता है जहाँ पर वो माथा ना टेके अपने बच्चों के लिए।
आज बहुत खराब लगा उस तोसु को देख के कि अनुपमा ने उसको बोला, उसका नाम लिया, लेकिन अपनी बेटी को लेके भाग गया उधर से। यदि ऐसे बच्चे अगर किसी के होते हैं तो आप 2-4 महीने के लिए छोड़ दो उसको। जब तक एक माँ मुंह नहीं मोड़ेगी ना, तब तक उन बच्चों को ये सबक नहीं मिल सकता है। फिर अनुपमा रेस्टोरेंट में आती है कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो मेरा तोसु ही था। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा ही था वो। कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे छोटी और अनुज दोनों मेरे आसपास में ही है, कि ये सब क्या हो रहा है कान्हा जी। फिर खाना गिर जाता है। फिर विक्रम भाई बोलते हैं कि वो सूरती क्या, वो लोग आएंगे तो हम लोग क्या सब करेंगे, कि सुरती और उसके मंगेतर के लिए खाना बनाए थे। वो लोग को लगता है कि सुरती और उसके मंगेतर आ गए, पर वो दूसरे आदमी लोग, दूसरे कस्टमर लोग रहते हैं। कि तब तक सुरती का कॉल आता है और सुरती जोशी बहन को बोलती है कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, आप खाना घर पे ही भिजवा दीजिए। अनुपमा रात की सांस लेती है तो आद्या को पैनिक अटैक आ गया है। अनुपमा पूछती है फिर आप लोग क्यों नहीं आ रहे, कि आद्या ठीक है, कि एके जी ठीक है, कि आद्या को पैनिक अटैक आ गया। फिर से अनुपमा बोलती है कि कान्हा जी उसका ध्यान रखें। फिर श्रुति बोलती है कि हम लोग आज नहीं आ पाए पर कल पक्का आएंगे, कि कल हमें मिलने से कोई नहीं रख सकता है। अनुपमा इधर जय श्री कृष्णा बोलती है। फिर श्रुति अनुज से बोलती है कि मैंने जोशी बहन से बात कर ली है, वो खाना यहीं पर भिजवा देंगे। ये लड़की क्या है आद्या, नाटक भी कर ली इधर तो, लेकिन ये पैनिक अटैक वाला नाटक कब तक करेगी। वो ICC लाइन में जा रही है जहाँ पे एक आदमी रहता है, बार बार जंगल में बोलते हैं कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई आदमी नहीं जाता, क्योंकि बोलते हैं कि वो ICC नाटक करता है रोज़ रोज़, कि झूठ मुठ की अफवाह फैला रहा है कि रोज़ शेर आया। ICC नाटक करते करते जिस दिन रियल में इसको पैनिक अटैक आएगा ना, उस दिन वो लोग को लगेगा कि नाटक ही कर रही है। अनुज बोलता है कि मेरी बेटी से बढ़कर कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ये कंफर्म करना है कि वो जोशी बहन है कौन। कि अनुपमा अगर तुम ही जोशी बहन हो तो तुमसे मिलकर मुझे बात करनी है, कुछ सवालों के जवाब लेने हैं। जब तक तुमसे जवाब नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कि अब देखते हैं आद्या कब तक रुक पाती है। अनुज का तो क्लियर होगा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मैं तुमसे मिल के ही रहूँगा। इधर डिम्पी सोफा ठीक कर रही होती है, तब तक ईशानी आती है कि अंश बॉयज के साथ क्रिकेट खेल रहा है। डिम्पी बोलती है तो कि मेरे साथ डॉल कौन खेलेगा। डिम्पी बोलती है मामी है ना, मामी खेलेंगी आपके साथ। फिर बा आती है, दोनों को प्रसाद देती है, बोलती प्रसाद खाओ। तक पाखी आती है अपने दो दोस्तों को लेके, हाय गाइस गुड मॉर्निंग। बा कभी भी नहीं सुधर सकती, बोलती है सुबह सुबह किसको उठा कर लेके आ गई, कि बैठो बा ये मेरे फैंस है। इनकी फ्लाइट कुछ देर तक रुकी हुई थी अहमदाबाद में, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ले आऊँ इन्हें। कि डिम्पी और बा को इंट्रोड्यूस करती है पाखी। बा बोलती है हाय एंड बाय एंड जय श्री कृष्णा। बाकी तो बदतमीजी की एकदम लाइन ही क्रॉस करती चली जा रही है कि डिम्पी कॉफ़ी ना लेके आओ। डिम्पी पानी लेके आती है, वो दोनों को भी देती है और पाखी को भी, तो बोलती है नो थैंक्स। कि गाइस ये है मेरी बेटी ईशानी। कि कम ना बेटा, कि बच्चों का दिल बहुत स्वीट होता है, आप जितना प्यार करोगे वो बच्चा उसी तरफ जाता है। अरे पाखी इतनी बदतमीज है कि कभी अपनी बच्ची को उस तरीके से करती नहीं है, हाथ उसके सर पर रखती नहीं है उस तरीके से, बस चीखती चिल्लाती रहती है उसको। आप ऐसे बुलाओगे तो आपका ही बच्चा रहेगा तो नहीं आएगा वो। बा को अच्छा लग रहा है, वो बुला रही है पर वो जा नहीं रही है ईशानी तो। फिर डिम्पी बोलती है ईशानी बेटा क्या सिखाया था, गैस घर पे आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो ईशानी लोग को जय श्री कृष्णा बोलती है। फिर इसके दोस्त लोग बोलते हैं कि पाखी बेटी तो तुम्हारी है पर बात तुम्हारी भाभी की मान रही है। ये मेरी छोटी भाभी है और मेरे पास इतना काम रहता है, ईशानी इनके ही साथ रहती है इसीलिए ये संभालती है ईशानी को। कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे, तो पाखी बोलती है सैंडविच बना दो। कि तुम्हारे भाई को गुजरे इतने टाइम हो गए और तुम्हारी भाभी यहीं पर है। जनरली इतने टाइम तक मतलब बहुएं नहीं रुकती हैं अपने ससुराल में, तो उनकी उम्र भी कम है, शादी हो जाती है ना दूसरी शादी भी। फिर बा बोलती है कि हमारी वाली रुकी और आगे भी रुकेगी, हम बहू नहीं बेटी मानते हैं उसे। उसके दोस्त लोग भी इसके ऊपर ही हंसे रहे लोग के ऊपर कि बेटी कहते हैं बेटी मानते हैं पर काम मैड वाले करवा रहे हैं। तो पाखी बोलती है मेरे पापा ना उसको और उसके बेटे को 5 साल से संभाल लेते, थोड़े काम कर लिए तो क्या बुराई हो गई। अभी बा ने कहा ना कि वो हमारे घर की बहू नहीं बेटी है, कि बेटियां तो घर का काम करती है। फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम तो नहीं करती। फिर बा भी हंसने लगती है कि लो बोलो इन्हें भी पता है। फिर पाखी बोलती है मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, इसके लिए मैं घर का काम नहीं करती। कि ये सब वो करती है जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। कि कॉफ़ी के साथ ये कुकीज, कि कितनी बार कहा है मैंने कि तुम्हें ऑर्गेनिक कुकीज यूज़ किया करो, जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो तुम ये खिलाते खिलाते मेरी बेटी के दांत खराब कर दोगी, तुम पढ़ी लिखी भी गवार हो। ये
ये बड़ा बदतमीजी कर रही है यहाँ पे पाखी। तब तक बनराज आता है, बोलता है सॉरी बोलो डिम्पी को। डिम्पी बोलती है नहीं मैं दूसरा लेके आती हूँ। तो बनराज बोलता है नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है डिम्पी, पापा प्लीज मेरी इंसल्ट मत कीजिए। फिर बनराज बोलता है कि अपने दोस्तों के सामने अपनी भाभी की इंसल्ट कर सकती हो, करवा सकती हो, तो सॉरी भी बोलो। तो फिर बा बोलती है सॉरी बोल, कि फिर पाखी सॉरी बोलती है। मुझे एक पल लगा कि बनराज डिम्पी के लिए बोला, फिर वो तो अपना स्वार्थ साध रहा है वहाँ पे कि डिम्पी अंश को लेके ना जाए यहाँ से। फिर मोबाइल पे एक वीडियो देखता है, बोलता है कि ये सपना तो अनुपमा जी का था, मैं तो जमीन पे से आसमान में पहुंच गया, तो आसमान से जमीन पे गिर रही। आज है वो अमेरिका में लेकिन है तो बावर्ची। तुमने कहा था कि तुम आसमान में उड़ोगी, कल भी तुम थी बावर्ची और आज भी तुम वही हो। इस तरीके से हंस रहा है ना, एक दिन जब अनुपमा बन जाएगी ना तो इसको बराबर उसके मुँह पर कड़ा रात तमाचा होगा उसके लिए। अनुपमा मर जाएगी या फिर बनराज और अनुज दोनों भिखारी हो जाएंगे, कि बनराज भिखारी हो सकता है पर अनुज नहीं। कि हम लोगों ने जितना देखा है अनुपमा शो को, जितना अनुज को समझा है, अनुज का सबसे बड़ा दौलत उसका प्यार ही है। उसे पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोड पे आने के बाद भी भिखारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिसका दिल ही खरा सोना हो भिखारी होके भी भिखारी कैसे बन सकता है, और उसका तो दिल ही अनुपमा है। बाकी थैंक यू मैम, ये लाइव वीडियो मैंने ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो अनुज के ऊपर जो थी टिप्पणी की गई वो अच्छी नहीं लगी मुझे। नमस्ते अंजू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। अनुपमा एक बेहतरीन माँ है, उसके दिल में ममता का अथाह सागर बहता है, लेकिन बच्चे उसके उतने ही ज़्यादा पत्थर दिल हैं। तोशु ने अनुपमा को देखा भी और इग्नोर भी कर दिया। ऐसी अगर औलाद हो तो औलाद का ना होना ही बेहतर है। अनुपमा ने उसमें कूट कूट कर भरे संस्कार, लेकिन उसने एक भी स्वीकार नहीं किया। परी जिसने अपना नाम एंजल बताया, वो तो उसके इस नाम से भी अनजान है। माँ तो वो चार नहीं छह बच्चों की कहलाई, क्योंकि एक्सीडेंट में उसने केंजल और परी को भी बचाया। तो ये एक तरह से अनुपमा ने उनको नया जन्म दिया, तो इस तरह से वो छह बच्चों की पालनहार कहलाई। लेकिन सिला जो उसे मिला वो एक दर्दनाक किस्सा है, जिसकी भरपाई उसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल खुद को कैद में कर बिताए। माँ होने में और माँ बनने में बड़ा फर्क है। माँ बनना केवल 9 महीनों का एहसास है, लेकिन माँ होना अंतिम श्वास तक एक फिक्र, एक चिंता, एक जिम्मेदारी का टोकरा है जो माँ अपने सर पर उठाती है। पाखी तो केवल माँ बनी है, माँ होने के लिए उसे अनुपमा के नक्शे कदम पर चलना होगा, जो वो कभी कर ही नहीं पाएगी। और ममता तो कोई जाल नहीं है जिसमें अनुपमा फंस जाएगी, बल्कि ये तो एक खूबसूरत एहसास है जिसमें वो अपनी पहचान पाती है। जो माँ होगी वही इस एहसास को समझ पाएगी, क्योंकि अपने सामने अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर बच्चों को खुश होकर जीते हुए देखने से माँ अपने गमों को तिलांजलि दे देती है। ऐसी होती है माँ। जो डिग्री है माँ की वो पढ़ाई नहीं जाती, पोथियाँ पढ़ने से कभी पढ़ाई नहीं आती। होने के लिए माँ चाहिए एक ममता भरा दिल। नहीं होता इसमें कोई कंपटीशन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं आती, होता है तो केवल भरपूर समर्पण, जितना तो किसी पढ़ाई में नहीं होता, चाहे हो MBBS या हो IAS, उसमें तो फिर भी मिल जाता है 2 पल का आराम। माँ होने में तो खुद से परिचय ही नहीं होता। आज घर घर में अनुपमा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, लेकिन अनुपमा घर घर में है। छोटी के दिल में जो जल रही है नफरत की आग, उसकी लपटे न जाने क्यों अनुज महसूस ही नहीं कर पा रहा है। खुद कहता है कि वो अच्छे से जानता है छोटी को, तो क्यों उसकी वो हरकतें उसको कोई क्लू नहीं दे रही हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये तो अध्याय पर बात पूरी अप्लाई होती है। जिसे अनुपमा ने अडोप्ट किया, उसको घर से अनुज की ज़िंदगी से उसने अध्याय ने आउट कर दिया, और अब हर कोशिश है कि अनुपमा अनुज से मिले नहीं। वो तो अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी में एक विलन बनकर रह गई है। आज अनुपमा को देखकर अनुज के जज्बात सर उठा रहे हैं। क्या अनुपमा के होने से ही ये जज्बात उठने थे? अनुपमा के इन 5 सालों के गैप में क्या कोई जज्बात नहीं आया दिल में? अगर अनुपमा या अनुज एक ही शहर में ना रहे होते
तो क्या जज्बात सर ना उठाते? ये सवाल तो आता ही है मन में। पाखी एक वर्स्ट पर्सन है, जो किसी की सगी नहीं है, ना हो सकती है। प्रॉपर्टी के लिए जो भी कुछ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। बापूजी को चोट भी वो पहुंचा सकती है, क्योंकि जब बा और बापूजी अनुपमा के घर में आए थे तब भी उसे खुशी नहीं हुई थी और उसने ये लोग कहकर उन्हें संबोधित किया था। उसे तो सिर्फ खुद से प्यार है, खुद से ज़्यादा तो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। बा पड़ोस की औरत के सामने अपने पड़पोते का पक्ष लेकर फिर से वही गलतियां दोहरा रही है जो तोशु के समय में उसने की थी। उसने उनसे कुछ भी नहीं सीखा। इस तरह से तो वो एक तरह से एक नया तोशु बनाने जा रही है। सब कुछ खो कर भी अनुपमा आज राहत में है, लेकिन अनुज आज भी बेचैन है। अनुपमा में कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन अनुज जो है अनुपमा को खो चुका है। उसके दिल में एक गिल्ट है। अनुज छोटी और अनुपमा को एक साथ मैनेज नहीं कर पाया, यही अनुज को बहुत बड़ा गिल्ट है। तुम्हें पाकर भी मैं तुम्हें खो बैठा, जितनी मुश्किलों से पाया तुम्हें उतनी आसानी से गवा दिया, यही बढ़ा रहा है बेचैनियाँ मेरी। अनुज इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी ये बात समझ नहीं पा रहा कि अनुपमा जोशी तो पहले थी, क्या इतनी सारी सिमिलिटीज से उसे ये नहीं यकीन हो रहा कि ये जोशी है जो सब कुछ सेम है तो अनुपमा हो सकती है, मगर वो श्योर नहीं है अभी भी। अनुपमा की जर्नी की तो अभी शुरुआत हुई है, उसे तो बहुत ऊंचाइयां अभी छूनी हैं। अभी तो वो स्पीड अप होगी और वो वक्त आएगा जब अमेरिका के गुने चुने लोगों के अंदर वो जानी जाएगी। तब ये एक जोरदार करारा तमाचा होगा हर उस शख्स पे जिसने उसे कमतर आंका। इस रेस में वो इस मुकाम पर उसके साथ खड़ी तब मिलेगी देविका, जो करेगी उसका सफ़र बयां। अनुपमा ने आज तक अपना सफ़र अपने परिवार और घर को माना है और मंजिल भी उसी को माना है, लेकिन आने वाले समय में उसकी सफ़र और उसका मंजिल वो खुद ही होगी। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। तोशु ने मुंह फेर के चला गया। बंदराज का स्वार्थ चमक रहा है, वो जानबूझ के डिम्पी को घर में बांध के रखता है। उसको लगता है कि अंश को लेके ना चले जाए, और आज उसने अनुपमा के बारे में जो बोला वो गलत बोला। वैसे ही अनुज कर रहा है, अनुज अपने डबल चेहरे लगा रहा है। पर आज अनुज का व्यवहार और ये देख के मुझे बहुत बुरा और गुस्सा आया। ऐसे डबल पे तुम प्यार करते हो, वो तो तुम्हारी ज़िंदगी से 5 साल पहले ही तुमको उस समय छोड़ गए, फिर तुम क्यों मिलना चाहते हो उसको दुख देने के? मैंने उस कल के ही एपिसोड में बोला था ना कि अब अनुज की बारी है, अब अनुज देखो क्या बोलता है। उसको बहुत गलत बता रहे, बहुत गलत तरीके से बता रहे। और एक अडॉप्ट की हुई लड़की इस तरह से अपने माँ बाप को अलग कर रही है, इसका भुगतान ऐसे से तो अनुपमा ने मर जाना चाहिए। वो तुम लोगों के लिए वैसे भी 5 साल पहले मर गई थी, तुम उसको ये कर रहे हो, शायरी बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये तुम्हारा स्वार्थ और सेल्फिश। तो ऐसा प्यार होता है क्या? इतना घटिया, छी, घिन आने लग गई अब तो। आज तनुज के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, भले लोगों को बुरा लगे सो लगे, पर मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इस तरह से ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा लगा था कि ये मिलेगा तो ये करेगा, पर ये और अगर वो सवाल पूछता है ना तो अनुपमा ने अब अनुज को जवाब देना चाहिए, अब ये नहीं चाहिए। तुम तो साल भर भी नहीं रुके, तुमने तो श्रुति को ले आए, सगाई कर ली, वो तो बेचारी 5 साल घर में बंद रही, फिर भी उसने आज तक कभी किसी से शिकायत नहीं करी या गलत नहीं बोला। तुमने तो पता नहीं श्रुति को सच्चाई बताई नहीं है, क्या गलत सलत बता रखा है। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को आज अनुज के ऊपर। इस तरह से मेकर से प्रार्थना है कि इस तरह से ये ना बताए कि वाकई में लोग अब डरने लग जाएंगे, एक तो बच्चे अडॉप्ट करने में और दूसरे किसी से प्यार करने में और दूसरी शादी करने में। थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। सच में आप लोग बहुत ही बढ़िया वाले पॉइंट्स जो हैं वो लेके आते हैं। रेखा जी, आपका रिव्यू काफी स्टीक होता है, क्लियर होता है, आप जो बोलती हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के बोलती हैं,
ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। और ऐसे ही आप अपने रिव्यूज जो है भेजते रहिए, क्योंकि मजा आता है आपके रिव्यूज सुन के और अलग एक प्रोस्पेक्टिव भी देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और सबको मैं फिर से थैंक यू कहती हूँ, हैप्पी लोहड़ी कहती हूँ, और नंबर शेयर करती हूँ जिसपे आपने अपने रिव्यूज भेजने हैं। तो नंबर है 9833155523, इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.